Clash of Clans. Play now. हेलो क्लैशर्स, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग बहुत ही शानदार होंगे। सो क्लैशर्स, क्लैश ऑफ क्लैन में सुपर आचा आ चुकी है, तो मैं सबसे पहले आप लोग से जानना चाहूँगा इन सारे सुपर ट्रूप्स में से आप लोग को सबसे बेस्ट सुपर ट्रूप्स कौन सा लगा है। मेरी बात करो तो यार, मुझे सबसे बेस्ट यहाँ पे सुपर वॉल ब्रेकर लगा है यार, लाजवाब लगता है। मैं सबसे ज़्यादा इसी का इस्तेमाल करता हूँ। इसके बाद मुझे अब यहाँ पे सुपर आर्चर लगने लगी है क्लैशर्स। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि आप लोग को सबसे बेस्ट सुपर ट्रूप्स कौन सा लगता है, किसका इस्तेमाल आप लोग को सबसे ज्यादा करना पसंद है। सो क्लैशर्स, हम लोग वीडियो में और भी आगे बढ़े, पर उसके पहले क्लैशर्स मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, आज का कंटेंट हम लोग का इमॉर्टल्स अटैक यानी क्लैश ऑफ क्लैन में सुपर आर्चर्स वर्सेस बहुत सारे हीलर्स। जितने रेस्ट स्पेस बचते हैं उतने सारे स्पेस में हम लोग हीलर्स लेके जाएंगे और अटैक परफॉर्मेंस करेंगे। इवन ट्राई करेंगे एक सिंगल आर्चर, उसके बाद मास अमाउंट ऑफ आर्चर्स हीलर के साथ परफॉर्म करने का। देखते हैं हम लोग कितना मैक्सिमम परसेंटेज टेक डाउन कर पाते हैं। और सबसे बड़ी चीज क्लैशर्स, हम लोग जो सबसे पहला सर्च यहाँ पे कर रहे हैं, बस इसी पहले सर्च में जो पहला बेस मिला इस पे ही अटैक करेंगे। और यहाँ पे हम लोग को बेस मिल चुका है क्लैशर्स, और यहाँ पे देख सकते हो यार, ये थोड़ा मतलब गजब सा बेस नहीं दिख रहा है यार। सिंगल सेटेड यहाँ पे इन्फिनो दिख रहे हैं, चपेट में आ गई ना ये सिंगल आर्चर, तब बहुत मुसीबत होने वाला है। वेल लेट्स सी क्या होता है, हम लोग कितना परसेंटेज निकाल पाते हैं। वे तो डेफिनेटली है गाइस कि हम लोग 100% नहीं निकाल पाएंगे, टाइम इश्यू तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बट यहाँ पे फिर भी देखते हैं कितना परसेंटेज निकाल पाते हैं। ये तो एक मतलब अगर आर्चर्स की बात करें तो लेवल 8 की आर्चर है, मतलब मैक्स भी नहीं है हम लोग के पास। और यहाँ पे 2% का ऑल ओवर डिस्ट्रक्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आर्चर्स सेंटर में जा पाएगी? यहाँ पे हम लोग पास कोई जंप स्पेल नहीं है यार, और ना ही कोई वॉल ब्रेकर्स लिए हैं। तो क्या लगता है आप लोग को, यहाँ पे वॉल्स तोड़ करके अंदर जा पाएगी? वेल फिलहाल तो यार वॉल्स तोड़ देती है, इसकी जो आर्चर की जो एरो होती है आराम से तोड़ देती है वॉल्स को। बट देखते हैं क्या सिचुएशन होता है। यहाँ पे देख सकते हो लेवल 7 का वॉल है, और लगभग आधा से ज़्यादा टेक डाउन कर लिया गया है यार, डायरेक्शन बदल दी आर्चर। तो चलो कोई नहीं, यहाँ पे मेरे पास रेस्पेल है, रेस्पेल ड्रॉप डाउन भी करेंगे गाइज, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे 3-स्टार तो नहीं आने वाला, टाइम हंट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। सो इस जगह मैं कुछ ट्राई करता हूँ। क्या बात है यार, वॉल्स टूट गया, अमेजिंग, क्या बात है, शानदार यार। सो 9% का यहाँ पे अच्छा डिस्ट्रक्शन मिल चुका है। बस यार आर्चर तुम सेंटर में चली जाओ यार, अगर टाउन हॉल टेक डाउन कर लेती है तो बहुत ही शानदार रहेगा। मैं सारे के सारे यहाँ पे हीलर्स को रिलीज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ईगल R3 एक्टिवेट हो जाता तो इश्यू हो जाता है, एक बार में ही अपने आर्चर को टपका डालता। सो इस जगह जल्दी से पहले ईगल R3 टेक डाउन हो जाए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे और भी हीलर्स को रिलीज़ करेंगे एंड वहाँ ऊपर फ्रीज करते हैं। और एक यहाँ पे और रेस्पेल की ज़रूरत होगी आई थिंक सो यार। एंड 16% का ऑल ओवर डिस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, 17% एक अच्छा अमाउंट हम लोग डिस्ट्रक्शन कंप्लीट करवा लिए। एंड यार आर्चर भटक रही है 18% के बाद, अब बाहर जाने की कोशिश कर रही है आर्चर। लेट्स सी, अब देखते हैं क्या होता है। एंड भाग गई यार, बाहर भाग गई। अब तो पूरा विश्वास है कि ये अंदर तो नहीं ही जाएगी। तो यहाँ पे 19% का ऑल ओवर डिस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट 21%। क्या लगता है, 50 सेकेंड की टाइमिंग लेफ्ट है, और कितना निकाल पाएंगे? यहाँ पे अब एक ही बिल्डिंग जो है वो डिस्ट्रॉय कर रही है हम लोग के आर्चर्स को, वो है यहाँ पे आर्चर टावर। और तो किनारे कोई बिल्डिंग्स ही नहीं दिख रहा जो अटैक भी परफॉर्म करेगी। ये सारे डिफेंसिव बिल्डिंग है। आर्चर तो मेन भाग गई यार, सेंटर में जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों बाहर निकल जाती है। पर फिलहाल 29 सेकेंड की टाइमिंग और लेफ्ट है, यहाँ पे 30% भी निकाल पाते तो एक बहुत अच्छा अमाउंट हम लोग को देखने को मिलता है इस जगह। और 27% का यहाँ पे ऑल ओवर डिस्ट्रक्शन हो चुका है, 18 सेकेंड की टाइमिंग और लेफ्ट है यार। इतना दूर यार AI सिस्टम में यहाँ पे कुछ कमी है आर्चर्स के, यहाँ पे ना बिल्डिंग्स के चिपक के थोड़े अटैक्स करने चाहिए आई थिंक, ताकि जल्दी मैक्सिमम ऑफ बिल्डिंग को तो टारगेट करे यार एक साथ। और वैसे ये भी फेल हो सकता है, अगर ईगल R3 या फिर इन्फिनो के बीच में तुरंत चल जाए तो दिक्कत हो जाएगा उस समय। वेल फिलहाल इस जगह हम लोग 30% जो एक्सपेक्टेशन था वो क्लेम कर चुके हैं, 30% तक का डिस्ट्रक्शन। और अब इस जगह चलेंगे हम लोग फिर से एक और अटैक्स के लिए, तो इस बार हम लोग थोड़ा चेंजेस करेंगे। एंड लगभग 5 यहाँ पे हम लोग जो सुपर आर्चर है उसे ले देते हैं, ठीक है, 5 सुपर आर्चर इनफ रहेगा इस बार।
और 5x6 भी है जनरेटेड, उसको भी ले लें क्या? 10 की स्पेस इस जगह बची हुई हैं और यहाँ पे 10 के स्पेस के बाद एक माइनस करके देखते हैं, तो फिलहाल एक माइनस कर चुके तो 6 आ गया, बट यहाँ पे 12 का स्पेस लिफ्ट बच रहा है यार। चलो इसे माइनस ही कर देते हैं, उससे अच्छा एक हीलर्स ही ले लेते हैं। ठीक है, चलते हैं अब अटैक परफॉर्मेंस करने के लिए। जो भी पहला बेस मिलेगा हम लोग उस पर अटैक परफॉर्मेंस करेंगे। ठीक है, लेट्स गो एंड देखते ऑल ओवर क्या सिचुएशन होता है। सो लेट्स गो फॉर सर्च यार। एंड यहाँ पे बेस मिल चुका है हम लोग को, क्या बात है यार। तो चलिए इस पे हम लोग अटैक परफॉर्मेंस करेंगे और देखते हैं इस बार हम लोग 5 यहाँ पे सुपर आर्चर लेके आए हैं 30% के ऊपर निकाल पाएंगे कि नहीं, मतलब टाउन हॉल निकाल पाएंगे कि नहीं यार, सबसे बड़ा इशू। तो विदाउट हम लोग किंग क्वीन रिलीज़ किए बिना ट्राई करेंगे, अगर आखिरी में देखे कुछ मौका बनता है तो फिर हाथ लगा देंगे किंग क्वीन के भी साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले ईगल आर3 को टेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। एंड यार बहुत टाइम लगी, ईगल आर3 का इतना हेल्थ है, मैं सारे के सारे यहाँ पे सुपर आर्चर को ड्रॉप कर देता हूँ। बहुत सारे हीलर्स हैं तो आई थिंक यहाँ पे मैनेज कर लिया जाएगा। सो एक रेस्पेल ड्रॉप करें, कर देते हैं यार, जल्दी से बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। मुझे एक्सपेक्टेशन है इस बार हम लोग टाउन हॉल ले लें तो बहुत ही शानदार होगा ब्रो। ओ माय गॉड यार, 12%, ओ यार ये क्या हो गया यार, सीसी ट्रूप्स, वो भाई ये नहीं होना था, बस कुछ भी होना था बट सीसी ट्रूप्स को नहीं निकलना था। बताओ क्या कर सकते हैं ज़िंदगी में, एक फ्री स्पेल भी हमने बर्बाद कर दिया, बताओ क्या होगा यहाँ पे। वेल यहाँ पे आर्चर्स बहुत ही सही वोस तोड़ के अंदर जा चुकी है एंड यहाँ पे अब हम लोगों को चाहिए कि एक रेस्पेल ड्रॉप कर देते हैं। चलिए रेस्पेल हम लोगों ने ड्रॉप किया और इसी के साथ 25% का ऑल ओवर डिस्ट्रक्शन। बस यार गलत वोस तोड़ दिए यार ये लोग, टाउन हॉल के तरफ का वोस तोड़ना चाहिए था ना बुड़बक। सो 7% का, 7 नहीं यार, 30% का ऑल ओवर डिस्ट्रक्शन ईजी कम्प्लीट हो गया, मतलब हाफ टाइम में ही 5 आर्चर लेके जाते हैं तुम। एंड बट यहाँ पे देखते हैं टाउन हॉल अगर टेक डाउन हो जाता तो बहुत सही होता है यार। एक लास्ट यहाँ पे हम लोग का रेस्पेल बचा था, उससे भी हम लोग इस्तेमाल कर चुके हैं और बहुत गंदा डिस्ट्रक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है आर्चर्स पे। ये जो टाउन हॉल का अटैक है वो बहुत गंदा अटैक है यार। एंड बस दो ही बची है अब तो, कोई सिचुएशन नहीं है, क्या लगता है, बस एक ही बची है अब तो। सो यहाँ पे 37% का डिस्ट्रक्शन, 38% का डिस्ट्रक्शन हो चुका है। अब आर्चर बाहर मारने लगे, ये तो हीलर गई अपनी यार, अब हीलर्स के बचने का कोई भी चारा नहीं दिख रहा है। तो फिलहाल 39% अभी तक हीलर्स जिंदा है यार, हाउ दिस इज़ पॉसिबल, बहुत सारे हीलर्स थे ना डैट्स वाई जिंदा है, धीरे धीरे सभी लुप्त हो जाएंगे आई नो, बट टाउन हॉल टपक जाता तो बहुत सही लगता है यार। बट 8% का ऑल ओवर डिस्ट्रक्शन हम लोग, 8 नहीं यार मतलब 40% तक का डिस्ट्रक्शन दे चुके हैं एंड एक स्टार भी अभी तक फिलहाल आया नहीं है। अब तो किंग क्वीन को रिलीज़ कर ही देते हैं, 27 सेकेंड की टाइमिंग है। पर देखते हैं यहाँ पे टाउन हॉल के रेंज से ज़्यादा है क्या इसके तीर का रेंज। कंडीशन 46% हो चुका है, 46% गाइस यार, 46%। एंड इसी के साथ एक शॉट अगर और भी पड़ जाता ना ये टाउन हॉल को तो बहुत सही होने वाला था यार, बट नहीं यार, जो सुपर आर्चर है उसका रेंज बहुत ही कम है टाउन हॉल के रिस्पेक्ट में। सो डैट्स इट यार, यहाँ पे हम लोग फिलहाल फिर से एक स्टार ही लाने में कामयाब रहे हैं, वो भी अपने ट्रुप्स को रिलीज़ करना पड़ा, आर्चर के भरोसे रहते तो कुछ भी नहीं हो पाता। तो फिलहाल ये इमॉर्टल अटैक आर्चर का, वेल फिलहाल ऑरो ट्रुप से तो बहुत ही बेटर है गाइस, इतना परसेंटेज बहुत रेयर ही कोई ट्रुप्स ला पाती है। इलेक्ट्रो ड्रैगन ला सकती हैं या फिर कोई और ड्रैगन सब भी जिसमें डिफेंसिव बिल्डिंग सेंटर में हो किनारे में 1% तक ला सकती है। वेल फिलहाल मुझे बहुत ही प्यारा लगा ये सुपर आर्चर और इसके बेहतरीन अटैक्स आप लोगों को देखने हैं, 3-स्टार अटैक्स, अटैक स्ट्रेटजीज पे जानने हैं तो पर आई मार्क पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हो क्लैशर्स। चलो यार हम लोग मिलते रहेंगे फिर इसी तरह के न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, बस आज के लिए इतना ही, बाय क्लैशर्स, हैव अ गुड डे, क्लैश ऑन। अगर चैनल पर न्यू हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब शेयर क्लैशर्स।